आहो है नदी लब जे तो सही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा गंदम की कटाई जो है ये रमज़ान में आ गई है और रोज़े के साथ थोड़ा मुश्किल है काम, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही इम्तिहान होता है कि रोज़े में आप रोज़ा भी रखें और अपने काम भी करें, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस चीज़ का बहुत अजर देती है इंसान को। तो चूँकि गंदम जो है ये ऐसा काम है, इसको आप लेट नहीं कर सकते। तो हल्की फुल्की अफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा लग गए थे काम के ऊपर, और अभी जो है वो खाना आ गया, अभी खाना खाते हैं और जो काम रहता है फिर बाद में करेंगे। और मुकल्लफ भाई लगा रहे थे दत्था, जिसे हम बोलते हैं गंदम, जो मशीन के अंदर डाल रहे थे। तो अभी टाइम तकरीबन 8:30 का हो गया है और अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। काम जो हमारा वो आधे से ज़्यादा हो गया तकरीबन,
थोड़ा ही काम रहता है, तो खाना खाने के बाद दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, की गाल की बनी, क्यों इन्ना टाइम लगा है? चिल्ली है, चिल्ली है ना, वो वाला जो इधर वाला थान, उस साइड वाला जो खेत था ना, जहाँ से हम मछलियाँ लेके आए हैं, वो थोड़ा सा गीला था, उसको ज़्यादा टाइम लगा। और जिस खेत में कतराई हो रही है इसको टाइम जब कम लगेगा, क्योंकि ये सही तरह सूखी हुई है। रात हमारी खेत के अंदर ही गुजरती है, इस वजह अभी काम हो गया ख़त्म कतराई का। अभी जो गंदम निकली है उसको हमने तोड़ू में डाल लिया हुआ है, और अभी वो लेके घर को जा रहे हैं। तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया, जाते ही हम लोगों ने सैरी जो है वो करनी है, नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद सो जाना है, क्योंकि पूरी रात ही तकरीबन हम कतराई करते रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर और दाने ले कर चलते हैं। काम ख़त्म हो गया, अभी गंदम जो निकली है इसको ट्रैली के ऊपर हम लाद रहे हैं, घर लेके जानी है। अल्लाह, तो गंदम आ गई है घर, तो पंजाबी में बोलते हैं हमारे यहाँ कि चार दिन का काम और सारे साल का आराम। तो ये चार दिन काम होता है तो सारा साल गंदम जो है वो महफूज हो जाती है और आराम हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि चार दिन का काम
सारा साल आराम। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम आ गई है घर और सब लोगों ने नहा लिया, फ्रेश हो गए हैं। अभी 2 से 2.5 घंटे रहते हैं सहरी में, तो अभी हम लोग बाकर खानियाँ और रस जो है वो खाएंगे और थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो सहरी के लिए फिर उठना है। तो अभी बाकर खानियाँ भाई, तो ये काम अकेले बंदे का नहीं होता, होता है इसलिए ये अज़र भाई हैं, कज़न है मेरे, ये आए हुए हैं, इनको कॉल की थी तो काफ़ी हेल्प करवाई है इन्होंने, तो सब लोगों ने मिल के जो है वो काम किया और जल्दी काम जो है ख़त्म हो गया। तो अभी बाकर खानियाँ खाते हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।